मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 15 ऑफ आवर ईवीएस बुक, दैट इज वाटर। प्लीज स्पीक विथ मी। वाटर, वाटर यानी कि पानी। पानी जो हम रोज पीते हैं, जिससे हम नहाते हैं, मम्मा कपड़े धोती हैं, है ना, सारे काम हमारे किससे होते हैं? वाटर यानी कि पानी से होते हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस किस चीज़ के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। सेकंड थिंग, वाटर कैसे हमको मिलता है और आजकल हम पानी कैसे वेस्ट करते हैं, वाटर को हम कैसे वेस्ट कर देते हैं, ये भी हम देखेंगे। और पॉल्यूट कर देते हैं, पॉल्यूट यानी कि ख़राब कर देते हैं वाटर को, ये भी हम आज देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ऑल, आपको मेरे साथ रीड करना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। व्हाट डज इट मीन बाय लिविंग थिंग्स बेटा? लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? जीवित लोग, है ना, जीवित लोग, है ना, कोई भी जो जिंदा है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग। वो ह्यूमन बीइंग्स भी, यानी कि इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़, एनीथिंग। हमारी दुनिया में जो भी जिंदा है, जिसकी लाइफ है, उसको क्या ज़रूरी है? उसके लिए वाटर ज़रूरी है, वो बिना पानी के नहीं रह सकता। पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। जो भी लोग हैं, इंसान, पीपल यानी कि इंसान है ना, एनिमल्स यानी कि जानवर हैं, प्लांट्स यानी पेड़ हैं, ये कुछ भी, किसके बिना नहीं जी सकता? विदाउट वाटर। अच्छा, आप बताइए, कभी कभी आपको बहुत तेज भूख भी लग रही है और बहुत तेज प्यास भी लग रही है, तो आप पहले क्या करोगे? पहले आपके पास दोनों चीज़ें रखी हैं, खाना भी रखा है, आपका फूड भी रखा है, और आपका वहाँ पे वाटर भी एक ग्लास में भरा हुआ रखा है, तो आप क्या करोगे बेटा? हम अक्सर पहले खाने को छोड़ के क्या करते हैं? पहले वाटर पी लेते हैं, पहले पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बार भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, पर क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। वी नीड वाटर फॉर, हमको पानी किस किस चीज़ के लिए चाहिए? ऐसी कोई चीज़ नहीं बेटा जिसके लिए हमें पानी नहीं चाहिए। देखिए, ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए चाहिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए। कोई भी खाना विदाउट वाटर बन सकता है क्या? कोई भी सब्ज़ी, अगर आप सूखी भी बना रहे हो तो उसके लिए भी पानी चाहिए। और वो सब्ज़ी कहाँ से आएगी? जब तक उसके प्लांट में वो जो भी वेजिटेबल है, वो वेजिटेबल हमको कैसे मिलेगी अगर उस प्लांट में पानी नहीं होगा? तो वॉशिंग क्लोथ्स, हमको कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए। ब्रशिंग टीथ, ब्रश करने के लिए पानी चाहिए। बाथिंग, ऑब्वियसली नहाने के लिए पानी चाहिए। यूटेंसिल्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन मम्मी मांजते हैं ना, वो मांजने के लिए पानी चाहिए। क्लीनिंग फ्लोर, अपना घर साफ़ करने के लिए हमको पानी चाहिए। पता है, मम्मा पोंछा लगाती हैं या जो भी आपके घर में मेड आती है वो पोंछा लगाती है, तो किससे लगाती है? ऐसे लगा लेती हैं क्या हाथ से? विदाउट वाटर पानी चाहिए पड़ता है ना बेटा। देन पुट आउट फायर, अगर कहीं पर भी आग लगी हो तो क्या यूज़ आता है? वाटर। वाटरिंग प्लांट्स, प्लांट्स को भी ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और हम उनको क्या कहते हैं, करते हैं? पेड़ों में पानी डालते हैं। बेटा ये तो वो चीज़ें हैं जो हमको डे टू डे नॉर्मल लाइफ में दिखती हैं कि हाँ, इनके लिए हमें वाटर चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए पानी चाहिए पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के घर में कार हो तो आप उनसे पूछिएगा, उनकी कार में बेटा वाइपर्स होते हैं, ऐसे 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 जो मिरर को क्लीन करते हैं ना, वाइपर, मिरर को कब क्लीन करेंगे? कार के मिरर को, जब तक उसमें वाटर नहीं जाएगा तो वो कैसे क्लीन करेंगे? या फिर कभी कभी कार चलते चलते बहुत तेज़ गर्म हो जाती है, तो क्या करना पड़ता है उसमें, उसके इंजन में
उसको ठंडा करना पड़ता है, कई बार उसमें कार्बोरेटर में पानी डालना पड़ता है कि ये ठंडा हो जाए, है ना। एक पार्ट ऐसा भी होता है इस कार का कि उसमें पानी डालना पड़ता है कि ये ठंडा हो जाए, भाई कार ठंडी हो जाए, बहुत गर्म हो गई है, एनीथिंग। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस जो विदाउट वाटर हो ही नहीं सकती। ये तो कुछ आपके 9 थिंग्स यहाँ पर बताई है जो विदाउट वाटर नहीं हो सकती। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो विदाउट वाटर नहीं हो सकती। हमारी लाइफ पानी के बिना कुछ भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर, हमको पानी कहाँ से मिलता है ना। वी गेट वाटर फ्रॉम, अब हमको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है देखते हैं। फर्स्ट थिंग रेन, यानी कि बारिश। बारिश जो होती है उसका क्या होता है बेटा, बारिश होती है वो पानी अर्थ के अंदर जाता है, हमारी रिवर्स में जाता है, वेल में जाता है और स्टोर हो जाता है। फिर वहाँ से हम उस पानी का यूज़ करते हैं। देन मेल्टिंग ऑफ स्नो, जो बड़े बड़े स्नो के माउंटेंस हैं, बहुत बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ हैं, वहाँ की बर्फ़ जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो धीरे धीरे पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है। मेल्ट यानी कि पिघलना, है ना, पिघलने लगती है। आपने देखा होगा ना जब हमारे घर में जैसे फ्रिज में आइस ट्रे रखी रहती है, आइस उसमें जमी हुई है, अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो थोड़ी देर बाद वो आइस वाटर बन जाती है ना। सेम उसी तरह से क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े स्नो के माउंटेंस होते हैं ना, उनमें क्या होता है, वो जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो उनकी आइस भी पिघलने लगती है, और वो भी कहाँ जाके मिलने लगती है, रिवर्स और पॉन्ड्स में और समुद्र में जाके, सी में जाके मिल जाती है। उसकी वजह से हमको पानी मिलता है। देन पॉन्ड, पॉन्ड मतलब होता है तालाब, तालाब, ठीक है। तालाब जो हम लोग, कई तालाब नेचुरल भी होते हैं, कुछ हम लोग भी बनाते हैं, उनमें क्या होता है, एक बड़े बड़े बहुत बड़ा बड़ा ऐसा एरिया तालाब का बना दिया जाता है जिसमें बारिश के टाइम पर पानी इकट्ठा हो जाता है। देन वेल, वेल यानी कि, वेल मतलब कुआं, कुएं में अर्थ से अंदर से पानी कुएं में स्टोर होता है ना। हैंड पंप, हैंड पंप ये किसी के घर में या किसी का कोई घर अगर दादी नानी का गांव में हो तो वहाँ ये हमको बहुत ईजली देखने मिल जाता है। आजकल शहरों में ये बहुत मुश्किल से देखने मिलते हैं, हैंड पंप की जगह आजकल मोटर पंप आ गए हैं। अब इनमें क्या अंतर है बेटा, हैंड पंप में ये जो लीवर होता है ना, इसको ऊपर नीचे करके अर्थ में से पानी बाहर निकाला जाता है। आजकल मोटर पंप आ गए, मोटर पंप क्या करते हैं, बस स्विच दबाया और पानी नीचे से अर्थ में से वो पंप बाहर खींच लेते हैं। देन रिवर, रिवर यानी कि नदी, हमको पानी कहाँ से मिलता है, नदी से भी मिलता है। अब ये तो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये कैसे रिसोर्सेज हैं बेटा, नेचुरल मतलब ये तो भगवान की हमारे ऊपर आशीर्वाद है, भगवान का गिफ्ट है जो हमको ये सब चीज़ें नेचुरली मिली हुई हैं। हमारे घर तक पानी कैसे आता है और हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं, टैप, हमारे घर में जो पानी आता है वो टैप यानी कि नल के थ्रू आता है, राइट, या बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, है ना, टैंक यानी कि टंकियाँ, उनमें ये पानी स्टोर करके फिर हमारे घर सप्लाई इन टैप्स के थ्रू किया जाता है ना। हमारे घर में भी इस तरह के टैंक हम रखते हैं, ये टंकी रखते हैं ताकि हम पानी को अपने पास भी स्टोर कर सकें। स्टूडेंट्स अभी हमने दो चीज़ें देखी, देखिए पहली चीज़ Why we need water? हमको पानी किस किस चीज़ के लिए चाहिए। Second, from where do we get water? हमको पानी कहाँ से और कैसे कैसे मिलता है। अब कल हम इसमें देखेंगे बेटा कि मैं एक ब्रीफ आपको बता रही हूँ कि हम पानी को किस तरह से वेस्ट यानी कि ख़राब करते हैं, है ना, और कैसे हम उस वेस्टेज को बचा सकते हैं, ये कल हम देखेंगे। Okay students? टिल देन आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिए और रीड करने की कोशिश कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक